नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल एबीएस क्लासेस पे। दोस्तों यहाँ पे आपका स्वागत है। और चलिए बात करते हैं आज कक्षा दसवीं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 100% नहीं, मैं तो कहूंगा 200% इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। चलिए, तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में कल आएगा, ये क्लियर है। तो चलिए देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ सीक्रेट भी बताऊंगा। चलिए, स्त्री शिक्षा का महत्व तो ये आएगा क्वेश्चन पे। फटाफट आप लोग क्वेश्चन बस देखते जाना है और आंसर आज रात भर बिल्कुल, मतलब कहें तो मक्खन कर दीजिए या मक्खन बना दीजिएगा रात भर जाग कर, क्योंकि यदि आज आप लोग जागेंगे तो जिंदगी भर सोएंगे, ठीक है। और नहीं तो आज ही यदि सोएंगे तो फिर जिंदगी भर जागेंगे और जिंदगी भर रोएंगे, इसलिए आज जाग लीजिए और आंसर याद कर लीजिए। अमरनाथ यात्रा में भग्न निवेदिता को भारत को समझाने में किस तरह सहायता मिली। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियां भी लिखिए। इसी से सब क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो। रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं कौन कौन सी है। प्रगतिवाद के दो कवियों के नाम व उनकी दो रचनाओं के नाम भी लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, तो बिल्कुल इनको तैयार ही कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में रोएंगे और रोएंगे तो फिर मेरे पास बिल्कुल मत आना, इसलिए क्योंकि मुझे रोने वाले लड़के पसंद हैं। गोपाल के गले में पड़ी पुंजों की माला की तुलना, ये क्वेश्चन आगे है, आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा रात भर। श्री कृष्ण के बुद्धि कौशल के आगे कौन कौन से अराजक व्यक्तित्व, ठीक है, पदक हुए हैं। महर्षि वेद व्यास क्यों प्रसिद्ध हैं। सब चीज प्रसिद्ध हो जाओगे आप लोग भी, बस वीडियो देखते रहो और इस दसवीं के हिंदी का चीर फाड़ करना है, ठीक है। तो चलिए, पोस्टमार्टम करना है और पेपर के मस्तिष्क में छेद करना है। स्वामी विवेकानंद से निवेदिता की मुलाकात कब और कहाँ हुई, कैसे हुई, ये आप लोग को बिल्कुल याद कर लेना। पद्यांश क्या आएगा, संदर्भ प्रसंग में क्या आएगा, तो पर्यारो उर्वशो है, ठीक है, उसी समान ये है, तो आप लोग देख लीजिएगा पद आएगा तो। इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेयस्कर क्यों माना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। भारतेंदु जी की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। वत्सल रस को परिभाषित करते हुए उदाहरण दीजिए। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इनको श्योर याद कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा, मेरे स्टूडेंट पछताना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट जैसे कक्षा 11वीं हिंदी का नहीं देखे थे, उनको बाद में पछताना पड़ा और पूरा पूरा वही क्वेश्चन आया था, इसलिए आप लोग देख लीजिएगा। माई की बगिया का वर्णन करो, ये क्वेश्चन सब है, ठीक है, इन सब क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी भाषा शैली पर प्रकाश डालते हुए साहित्य में स्थान सुनिश्चित कीजिए। विज्ञान के चमत्कार विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखना। भक्तिकाल का वर्गीकरण समझाना है, ठीक है, वर्गीकरण कीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इनको तैयारी कर लीजिए। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बस फटाफट आपको क्वेश्चन मिलेगा, बस हो गया। आपने किसी दर्शनीय स्थल का भ्रमण किया होगा, उसे यात्रा वृत्तांत के रूप में अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब इसमें मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अच्छा पार्ट फर्स्ट है, सेकंड पार्ट भी अपलोड हो सकता है, इसलिए आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें अपनी शैक्षिक प्रगति और लक्ष्य का उल्लेख किया है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों का नाम बताते हुए चिकित्सा पद्धति में उनकी उपयोगिता बताइए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको पढ़ लीजिएगा। लाला लाजपत राय की दो विशेषताएं लिखिए। वनों का महत्व विषय की रूपरेखा लिखिए, ठीक है, रस निष्पत्ति किस प्रकार होती है लिखिए, सब क्वेश्चन को बिल्कुल लिख लीजिएगा। नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि अपने मोहल्ले में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, ठीक है। कविता वाली कविता के संदर्भ में शिल्प सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी चीज़ पूरा अपलोड आप लोग देख लीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और कमेंट बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और देख लीजिएगा। देखिए, मैं 100% नहीं कहता कि यही पेपर आएगा, पेपर कुछ भी आ सकता है मेरे प्यारे भाइयों, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप लोग को इन सब क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आंसर आने के चांसेस हैं। अच्छा, पार्ट फर्स्ट ये है, पार्ट सेकंड भी मैं अपलोड करूंगा 11वीं हिंदी का, तो 10वीं हिंदी का, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। पार्ट सेकंड में शायद है कि दूसरे क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चन से भी आ सकता है, तो उन क्वेश्चन से भी आएगा,
बिल्कुल इसमें शक वाली कोई बात नहीं है। तो चैनल में रहे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और यदि हमसे संपर्क करना है तो टेलीग्राम लिंक दिया होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, डायरेक्ट आप वहां पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम पे जाइए और आप डायरेक्ट जाके वहां पे जुड़ सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ पा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चैनल में रहे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।